तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एक गिवन नंबर वो हाश्ड नंबर है या नहीं, ये चेक करना ये बताना होगा। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हाश्ड नंबर होते क्या हैं। तो बेसिकली इस एक गिवन नंबर होगा, उन नंबर में जितने भी डिजिट होंगे सबको अलग अलग जोड़ के, अगर वो सम करने के बाद जितना भी आता है वो इस नंबर को डिवाइड कर पाता है, तो हम ये मानेंगे कि ये नंबर जो था वो हाश्ड नंबर था। जैसे कि यहाँ पे 3 है, इसके डिजिट्स जो होंगे 3 8 और 8, 3 प्लस 7 प्लस 8, और इसका सम हो जाएगा 18। अगर 18 अगर 18 जो है वो 378 को डिवाइड कर पा रहा है, तो हम ये मानेंगे 378 जो है कि वो हाश्ड नंबर है। तो हम इसमें कुछ इस प्रॉब्लम को तीन अप्रोचेस से सॉल्व कर सकते हैं, तीन तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, वो देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं एक नंबर, हमने ले लिया एक, बनाते हैं सम, जो अपने पास सम रखेगा स्टार्टिंग में 0 होगा, और एक कॉपी रखने के लिए हम ओरिजिनल नंबर ओरी एक वेरिएबल बनाते हैं ओरिजिनल, जिसके अंदर हम नाम स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट में हमें कंपेयर करना होगा डिवाइड करके, तो ये तब काम आएगा। तो सबसे पहले हम मेथड्स को यूज़ करके कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। इसमें हम क्या करने वाले, सम के अंदर इनिशियलाइज करने वाले हैं। क्या हम करने वाले हैं कि ये जो नंबर है इसको स्प्लिट कर लेंगे, ट्रिपल डॉट नम डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है, और इसको मेथड बना लेते हैं। अभी हम साथ में लॉग भी कराते चलते हैं ताकि हमें ये पता चले कि ये मेथड्स कर क्या रहे हैं एग्जैक्टली। सम कराया, हम दोनों स्क्रीन आउटपुट वाली स्क्रीन को भी साथ में खोल लेते हैं, तो हमें आउटपुट भी साथ में मिलता जाएगा, ठीक है। हमने स्क्रीन को मैनेज कर लिया, ठीक है। अभी हमने क्या किया कि नम के ऊपर हमने डॉट टू स्ट्रिंग लगाया, इससे ये नंबर जो था वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। हम ये स्प्लिट ऑपरेटर लगाया, इसकी वजह से सारे नंबर जो थे अलग अलग और एक अलग अलग स्प्लिट हो गए, और फिर हमने ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, इसकी वजह से ये और हमें स्क्वायर एरे में मिल गया, ठीक है, इसलिए हमें एरे बना के दे दिया। फिर हम क्या करें, एरे हम रिड्यूस मेथड लगा सकते हैं, रिड्यूस लगाया, और रिड्यूस तब लगाते हैं जब किसी एरे में हमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके सिंगल आउटपुट चाहिए होता है तो लगाते हैं। इसको दो पैरामीटर चाहिए होता है, एक ACC जो कि हमें आउटपुट देता है एक डिजिट, जो कि हर एक नंबर कंटेन करता है, हर एक डिजिट कंटेन करता है एरे के अंदर का, ठीक। हम इसके अंदर रिटर्न करना है ACC के पास जो कुछ भी है उसमें जोड़ दो, किसको जोड़ना है जो नंबर है डिजिट को जोड़ना है, ठीक। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये होगी, इसने 378 जोड़ दिया क्योंकि ये अभी के लिए टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया था हम लोगों ने, तो ये अंदर जो था नंबर वो स्ट्रिंग में था। हम इसको कन्वर्ट करते हैं, इसमें पार्स इंट में कन्वर्ट कर देते हैं इस नंबर को, इसको हटाया हमने, इसको कन्वर्ट किया, तो हम देखते हैं सम में आ रहा है अभी भी, हम रिफ्रेश करते हैं अभी भी सम में 378 आ रहा है। इसके पैरामीटर्स अभी पूरे नहीं हुए, हम क्या करेंगे डिजिट कॉमा करेंगे 10 और यहाँ पे कॉमा कर देंगे 0, अभी हो गया 18, ठीक। ऐसा कर हम इसको नंबर में कन्वर्ट किए और इस नंबर को इसमें जोड़ ऐड किए, इससे क्या होगा कि ये पूरा का पूरा नंबर नंबर में कन्वर्ट होगा, और एक कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे जब ऐड कर रहे तो कॉन्केटिनेट ना करके मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। अब हमारे पास सम में 18 आ चुका है, फिर हम ये देखेंगे क्या 18 जो आया है सम वो नम मॉड तो क्या इक्व टू 0 है। अगर इक्व टू 0 है, ट्रू दे रहा है, तो इसका मतलब 378 जो है वो एक हाश्ड नंबर है। तो ये फर्स्ट अप्रोच हो गई हमें हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की। हम दूसरी अप्रोच देखते हैं कि दूसरा तरीका क्या हो सकता है। हम एक वाइल लूप बनाएंगे, वाइल लूप चलाते हैं, बट मैं अपना कोड बंद करता हूँ थोड़ी देर के लिए इनफाइनाइट लूप से बचने के लिए, ठीक है। वाइल लूप का फॉर्मेट हम ले लेते हैं, यहाँ से कंडीशन हम लगाते हैं, कंडीशन ये रही कि जब तक नंबर ग्रेटर देन 0 है तब तक ये लूप चले, ठीक है। अभी हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर सम हर एक वैल्यू को निकालेंगे और सम में ऐड करते जाएंगे, ठीक। नम मॉड मॉड 10 करके हम लास्ट डिजिट निकाल सकते हैं किसी भी नंबर से, और इस नंबर को वापस से नम डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे, तो ये एक पीछे से इसकी डिजिट्स कम होते जाएंगे। और इसके साथ हम क्या करेंगे, इस डेसिमल की प्रॉब्लम ना हो इसलिए हम मैथ हमें टी डॉट फ्लोर का यूज़ करेंगे, और ये हमें डेसिमल
नंबर्स आप खुद हैंडल करके दे देगा। तो मैं लूप फिर से चलाता हूँ और कोड मैंने चला दिया है। हमने देखा कि फिर से ये हमें आउटपुट इस कोड के लिए भी ट्रू दे रहा है। तो दूसरा अप्रोच ये हो गया कि हम वाइल लूप चलाएं और हर एक नंबर डिजिट को पीछे से गेट करते हुए लास्ट इंडेक्स में और उसको सम में ऐड करते हुए सम फाइंड कर पा रहे हैं। और यहाँ पे हम वापस से कंसोल पे ट्रू और फॉल्स फिट कर पा रहे हैं। एक तरीका ये हो गया। और लास्ट अप्रोच एक फॉर लूप यूज करेंगे और उसमें हम सेम ही यूज करने वाले हैं, बेसिकली कि हमने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे और स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद एक लूप चला देंगे। मैं कर देता हूँ, वो भी कर लेते हैं। फॉर आई चलेगा और ये 0 से चलने वाला है। और ये क्या चलने वाला है कि हमने क्या किया कि यहाँ पे num dot to string ये किया और dot length किया, ठीक है। एरे इज नॉट डिफाइंड, एरे इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। हम एक तो वेरिएबल बना लेते हैं, उसके अंदर ये डालते हैं str इक्वल्स टू नम डॉट टू स्ट्रिंग, हाँ ठीक है। मेरे साथ गलती यहाँ करी थी कि हमें यहाँ पैरेंथेसिस नहीं बनाया, नहीं ये इतने चले। हम इसको एक दूसरे str में डाल देते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं str डॉट लेंथ, ठीक है। और अभी 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 लेंथ चलाया हमने, किया यहाँ पे लेट आई नम नम डॉट टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया इसे। और यहाँ पे चला है फॉर 1330। अच्छा ये एरे, ये वाला एरे डिफाइंड नहीं है, ठीक है, गलत जगह देख रहे थे। हम ये चीज़ कॉपी करते हैं, कट, और यहाँ पे भी पेस्ट कर देते हैं डायरेक्टली, ठीक है। और इसको हटाते हैं, ठीक। अभी ये ऐसा भी कर सकते हैं, शायद हम एक नया वेरिएबल बना के उसके अंदर स्ट्रिंग रख लें, नंबर को स्ट्रिंग बना के रख लें। दोनों तरीके सही है। फिर हम यहाँ करने वाले सम प्लस इक्वल्स टू करने वाले और पार्स इंट करने, जैसे कि हम यहाँ पे क्या करेंगे कि str जो स्ट्रिंग हमने बनाई थी उसकी जगह हमें यहाँ पे गेट करना होगा ना, इसमें हम स्ट्रिंग बना ही लेते हैं। लेट str इक्वल्स टू रोल बी और यहाँ पे यूज करते हैं str, ठीक है, str, ठीक है। अब हम क्या करेंगे str के आई फील्ड के जो कुछ भी उसको उठा के, लेकिन अभी ये हमें सही चीज नहीं देगा क्योंकि स्ट्रिंग बना हुआ है। हम इसको पार्स इंट में डाल देते हैं और ये इंटीजर मिल जाएगा हमें, ठीक है। अभी हमें ट्रू दे रहा है तो मतलब ये नंबर डिवाइड कर पा रहा है, सम को सम जो मिला है हमें वो डिवाइड कर पा रहा है नम को। तो ऐसा करके हम फाइंड कर सकते हैं कोई नंबर हाफ जो नंबर है या नहीं। तो थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही। हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नए क्वेश्चन के साथ।